करेंगे जेके टायर के Q4 के रिजल्ट के बारे में। Q4 का रिजल्ट आ गया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। ऑप्शन सीरीज हमारे चैनल पर शुरू हो गई है, दो पार्ट आ गए हैं और भी काफ़ी सारे पार्ट आने वाले हैं। फ्री सीरीज़ है तो चेक कर लीजिए। ₹2 का आई गेस डिविडेंड दिया है, ओके है प्राइस के हिसाब से, इनके शेयर के प्राइस के हिसाब से बहुत है। सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़ में आपको आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। बात करें टोटल इनकम की, 2944 करोड़, लास्ट क्वार्टर 1800 करोड़ थी, ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ती हुई नज़र आई है। एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस भी इन लाइन रहा है, एक्सपेंस में ऐसा कोई बहुत बड़ा जंप आपको आता हुआ देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें तो जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया है, ईयर ऑन ईयर फैंटास्टिक ग्रोथ आया है, डबल हो गया है प्रॉफिट, और सॉरी प्रॉफिट फॉर द पीरियड आई गेस ये है ना, हाँ डबल हो गया है ईयर ऑन ईयर, तो प्रॉफिट डबल हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर 52 करोड़ का लॉस था, अभी 194 करोड़ का प्रॉफिट आया, बेहतरीन प्रॉफिट आपको दर्ज होता हुआ देखने को मिला है। अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है ये याद रखना, तो भी इसमें रिस्क आप इन्वेस्टमेंट डालोगे लिमिटेड डालना, आपका पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा नहीं, 2-5% होना ही चाहिए इसके अंदर, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके एडवाइज़र से एक बार फिर भी कंसल्ट कर लीजिएगा आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। बाकी थोड़ा रिस्की सेक्टर हो सकता है, रिस्की शेयर हो सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप, ऊपर से स्मॉल कंपनी, ऊपर से टायर इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री कि अभी ऑलरेडी लॉकडाउन का सफ़र कर रही है, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो थोड़ा देख के इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ज़्यादा इन्वेस्ट करिएगा नहीं। बाकी आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ सकते हैं, कंपनी अच्छी है, स्मॉल कैप के अंदर किसी को इन्वेस्ट करना तो इसमें ट्राई कर सकते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।